हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल मेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टॉपिक को हम लेके आए हैं जिसका नाम है रिपेयर वर्क। और ये रिपेयर वर्क हम करेंगे स्लैब, बीम और कॉलम में। सो गाइस, स्लैब के अंदर जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है वो M25 होता है, जिसका रेशो होता है 1:1:2। और वहीं जब हम कॉलम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा ग्रेड होता है M20, जिसका रेशो होता है 1:1.5:3। और इस रेशो में 1 हमारा है सीमेंट, 1.5 हमारा है डस्ट एंड 3 हमारा है एग्रीगेट। लेकिन जब हम रिपेयर वर्क के अंदर आते हैं तो हमें जो मिक्सचर होता है, मोटर का मिक्सचर जो हमें बनाना होता है, वो थोड़ा तेज बनाना होता है, क्योंकि ये रिपेयर वर्क है। तो इस रिपेयर वर्क के तेज का मतलब है हमें सीमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होती है इसी मिक्सचर के अंदर। एंड गाइस, जो एग्रीगेट की साइज होती है वो रिपेयर वर्क में हमेशा 6 mm यूज की जाएगी। तो आपको मैं अब प्रैक्टिकल दिखाने की जाता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया, अब हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस। ये हमारा 3 इंची पाइपलाइन है जो किचन से आ रहा है, इसका हमें रिपेयर करना है। ये हमारा रेन वाटर पाइपलाइन है 4 इंची, जिसकी हमने शटरिंग भी कर दी है। ये हमारा बाथरूम का पाइपलाइन है जिसकी हमने शटरिंग कर दी है, ये 4 इंची + 3 इंची पाइपलाइन है। हमारी स्लैब कट हो गई है जो होनी नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके सीमेंट स्लरी डाल दी है। लगाने के बाद इसमें वाटरप्रूफिंग का पेस्ट भी हमने सीमेंट में ही मिक्स करके एक बार डाल दिया है। इसके बाद सीमेंट प्लस डॉक्टर फिक्सिट को मिक्स करके हमने लिक्विड पेस्ट बना लिया है, जिस लिक्विड पेस्ट को हम हमारे मोर्टार मिक्स में ऐड कर देंगे। ये हमारा मोर्टार मिक्स है, अब मिक्सिंग करते हुए इसमें सेग्रीगेशन हो रहा है, तो इसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। सेग्रीगेशन का मतलब है जब हमें डस्ट, एग्रीगेट और सीमेंट अलग अलग दिखता है, उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। अब हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना लिया है और इसमें हमने डॉक्टर फिक्सिट भी ऐड कर लिया है। अब हम इसे अपने रिपेयर वर्क में जाकर अच्छे से अप्लाई करके कर देंगे। अब ये यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को पोर कर रहे हैं, को हमने कवर कर दिया है जिसके नीचे शटरिंग लगी हुई थी 4 इंची पाइपलाइन।